हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर रिव्यू। आज बात करेंगे फ्रेंड्स सर्जेंट मूवी के बारे में, मूवी कैसी है कैसी नहीं। इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स कि रणदीप हुड्डा जी अपने हीरो जो रहते हैं वो मतलब एक पुलिस के किरदार में आपको दिखेंगे। मतलब इंडिया में नहीं है बट किसी अलग कंट्री में आपको पुलिस के किरदार में दिखेंगे। और उनका रोल क्या है फ्रेंड्स, मतलब वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, वो ड्रग्स पकड़ने जाते हैं। ड्रग्स पकड़ने के कारण उनका एक साथी चले जाता है, वो अपने साथी खो देते हैं और उनके इंजाम पूरे उनके सर पे आ जाता है। और फ्रेंड्स रणदीप हुड्डा जी अपना पैर भी उसमें गंवा देते हैं। उसके बाद की स्टोरी मतलब ऐसा लग रहा था फ्रेंड्स मेरे को कि कहीं ना कहीं मतलब मूवी कुछ ना कुछ मोड़ लेगी या तो कुछ ऐसा स्टोरी होगा। मतलब देखते गया मूवी खत्म हो गई फ्रेंड्स। कोई स्टोरी नहीं, कोई लाइन नहीं, मतलब क्या चल रहा है फ्रेंड्स, किसको पकड़ रहे हो आप, कैसे पकड़ रहे हो आप, कर क्या रहे हो आप, मतलब कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मूवी में आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा फ्रेंड्स देख के आपको लगे कि मूवी इंटरेस्टिंग है, मूवी अच्छी है, मूवी मज़ा आ जाए, मतलब कुछ नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कॉमेडी है, ना एक्शन है, ना सस्पेंस है, ना BGM, ना साउंड है, कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स सभी ने अपना काम जो किया है वो मतलब थोड़ा बोल सकते हो कि सभी का किरदार थोड़ा अच्छा था। करने का काम, तरीका, एक्टिंग, जैसे अपने हीरो रणदीप हुड्डा जी हैं उनका काम देखने में ऐसा लगा कि हाँ अपने किरदार को अच्छे से निभा रहे हैं। बट क्या मतलब फ्रेंड्स, स्टोरी में ना जान है, मतलब मूवी में कोई जान नहीं है। इस मूवी में फ्रेंड्स क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको अंदाजा हो जाए, आपको थोड़ा अनुमान हो जाए, थोड़ा आइडिया हो जाए कि मूवी कैसी है। क्योंकि आपका पैसा और समय बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ऐसी किसी भी चीज़ में अपना पैसा और टाइम बर्बाद मत करिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं मूवी में क्या क्या कुछ है। तो फ्रेंड्स देखिए मूवी में स्टार्ट होता है जब मूवी, तो क्या होता है अपने रणदीप हुड्डा जी अपने साथी के साथ, अपने दोस्त के साथ जो उनके साथ जो काम करता है, उस व्यक्ति के साथ जाते हैं एक अड्डे पे एक ड्रग्स माफिया को पकड़ने। तो उसको पकड़ने जाते हैं जब फ्रेंड्स, तो मतलब ऐसा होता है कि मतलब जो स्टोरी जो लिखा है बंदा वो मतलब क्या यार, मतलब आप 1920 का भी मूवी उठा लेते ना तो कोई बंदा ऐसे मतलब क्रिमिनल को नहीं पकड़ता। तो मतलब ऐसा थोड़ा सस्पेंस लग रहा था फ्रेंड्स कि क्या बना दिया यार तुम लोग। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि बंदा जाता है तो रणदीप हुड्डा क्या आगे कॉल में बात करता है और उसको भेज देता है। यहाँ क्या फ्रेंड्स जो लाइन लिखने का तरीका भी है वो बहुत गलत है। मतलब आगे बंदा रणदीप हुड्डा बात कर रहे हैं, फिर वहाँ अपने बंदे को भेज दिए हैं और वहाँ इनको कुछ पता भी नहीं चल रहा, वहाँ वो मतलब उनके आंखों के सामने उनका मर्डर हो जा रहा। तो बहुत कुछ मिस्टेक है फ्रेंड्स मूवी में, बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। होता ही है फ्रेंड्स जब रणदीप हुड्डा जी मतलब उसको जब लास्ट में जाते हैं पकड़ने, तो क्या बंदा मतलब उसको जब पकड़ने जाते हैं तो क्या इनके पास गन नहीं है या कुछ हथियार नहीं है। तो मतलब ये जाते हैं उनको पकड़ते हैं और वो बंदा मतलब कुल्हाड़ी से इनका पैर काट देता है, मतलब ऐसे ही मतलब कुछ भी हो रहा। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है, बंदा पानी में गिर जाता है। कुछ टाइम बाद पुलिस आती है, उनको उठा के ले जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट करती है। पता चलता है कि इनको जो साथी का इंजाम था इनके सर पे लग गया कि ये ले गए थे, उनके कहने पर ही वो बंदा गया था और मर गया था। तो फ्रेंड्स ऐसा ऐसा मैटर होता है। जब हकीकत रणदीप हुड्डा जी बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा सीन हुआ था मेरे साथ, तो कोर्ट हर एक चीज़ समझ के रणदीप हुड्डा जी को बाइज्जत बरी कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कहानी में, सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि जो स्टार्टिंग तो कर दिए बट उसके बाद होता क्या है। तो इसके बाद फ्रेंड्स क्या होता है आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मतलब मूवी में किसी क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं, जो आपको मारा है उसको कब पकड़ोगे पता ही नहीं है, कौन मारा आपको, तो कौन से ड्रग्स माफिया को पकड़ रहे हो आप, तो कौन से क्राइम वाले को पकड़ रहे हो आप, और जो उसको साथ भी देता है बंदा उसका दोस्त, तो उनमें भी लॉजिक है। ऐसा है एक्टिंग कर रहा है बंदा कि मतलब जाहिर हो जा रहा सब कुछ, सब पब्लिक के सामने आ जा रहा कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा। तो मतलब फ्रेंड्स इसमें आप दिमाग लगा ही नहीं पाएंगे मूवी में। आप लास्ट तक चले जाइए, आपको कहीं भी 2 मिनट का भी मज़ा नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स कुछ मूवी ऐसी होती हैं, कुछ वेब सीरीज ऐसी होती हैं कि उनके 1 घंटे 1.5 घंटे में ही इतना आनंद मिल जाता है, इतना मज़ा आ जाता है। कुछ मूवी ऐसी रहती है जिसका स्टोरी ही मतलब कुछ अलग लेवल का रहता है,
मतलब उसमें बजट नहीं रहता है, मूवी में कुछ बजट नहीं रहता है, बजट एकदम लो पिक्चर से बनी रहती है बजट से, बट ऐसा नहीं होता है, उनकी जो मूवी रहती हैं बहुत ही शानदार रहती हैं। मेरे कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स, इस मूवी बनाने वाले को कुछ सीखना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब क्या स्टोरी है, क्या लाइन है, पब्लिक मतलब अब क्या 1920 वाली नहीं है कि आप कुछ भी दिखा दोगे आप देख लेगी पब्लिक। पब्लिक के पास बहुत ऑप्शन है, OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना चल रहा, मतलब एक से एक वेब सीरीज है, एक से एक मूवी है, तो मतलब ऐसे मूवी को देख के कोई अपना टाइम और पैसा बर्बाद नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स बात करते हैं स्टार की, तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेगा 5 में से 0 स्टार, क्योंकि फ्रेंड्स मूवी में कुछ दम नहीं था, कुछ मज़ा नहीं आया। तब तक फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।